हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 4, जिसका नेम है स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम जाने वाले हैं वर्किंग इन अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के साथ वर्क कैसे करना है ये हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। वर्किंग इन अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कार्य करना। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दिस डेज प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्टूडेंट्स, इन दिनों अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसे प्रोवाइड करते हैं। दैट मेक्स इट वेरी इजी टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आसान बना देता है। यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन द ग्राफिकल आइकन टू वर्क ऑन द कंप्यूटर विदाउट नीडिंग टू रिमेंबर एनी कॉम्प्लेक्स कमांड एंड देयर सिंटैक्स। आपको किसी भी जटिल कमांड्स को या उसके सिंटैक्स को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओनली आपको कंप्यूटर पर बहुत ही सिंपली वर्क करने के लिए ग्राफिकल आइकन पर क्लिक करना पड़ता है। हाउएवर, देयर इज नो डेथ ऑफ पीपल हु स्टिल स्वेयर बाय द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड शेल इंटरफेस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। हालांकि आज भी कंप्यूटर पर टेक्स्ट बेस्ड शेल इंटरफेस पर कार्य करने के लिए और दक्षता से कार्य करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल प्रोवाइड्स द कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी को प्रोवाइड करता है, दैट अलाउज अस टू टाइप शेल कमांड्स एंड वर्क ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजिंग द माउस। और शेल कमांड्स पर वर्क करने के लिए बिना माउस का यूज करके कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए अनुमति देता है। लेट अस लर्न अबाउट द कमांड प्रॉम्प्ट एंड अबाउट द बेसिक शेल कमांड्स। चलिए कुछ बेसिक शेल कमांड्स के बारे में और कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स गेटिंग स्टार्टेड विद द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के साथ स्टार्ट कैसे करना होता है। टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो दिस स्टेप्स। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। क्लिक ऑन स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एसेसरीज, देन कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करना होता है। स्टूडेंट्स, ये जो आप जान रहे हैं ये विंडोज 7 पर जान रहे हैं कि विंडोज 7 में हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाना होता है, देन एसेसरीज, देन कमांड प्रॉम्प्ट। द कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज विल ओपन अप ऑन द स्क्रीन। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है। एंड यूज दिस बटन्स टू क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द विंडो। और इन बटन्स का यूज करके आप क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये क्लोज बटन होता है, ये मिनिमाइज के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज होता है। और यहाँ बताया गया है कि कमांड प्रॉम्प्ट एरिया है, दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट एरिया। टाइप योर कमांड्स द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड्स को टाइप करते हैं, प्रेस द एंटर की टू एग्जीक्यूट कमांड। जो भी कमांड हम टाइप करना चाहते हैं उसे कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं, और जब कमांड्स टाइप हो जाती है तब हमें एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर एंटर की प्रेस करनी होती है। इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, द विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हिस्टेरियर MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट वास्तव में MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अतीत का एक मॉडिफाइड वर्जन है। कमांड्स दैट वर्क इन DOS विल ऑल्सो वर्क इन कमांड प्रॉम्प्ट एनवायरमेंट। कमांड्स जो कि DOS में वर्क करती हैं वह कमांड प्रॉम्प्ट एनवायरमेंट में भी वर्क करेंगी। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं चेंजिंग द ड्राइव यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके ड्राइव को चेंज करना। बाय डिफॉल्ट द कमांड प्रॉम्प्ट दैट वी गेट इन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में प्राप्त करते हैं विंडो, उसमें क्या लिखा होता है, C:\user\admin और ग्रेटर देन। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स, इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पर C:\ denotes the C drive, C colons जो व्यक्त करता है वो करता है C drive को, and users denote the user directory or folder, user व्यक्त करता है user directory को या folder को, and admin is a sub directory within the user directory or folder, और admin जो denote करता है वो denote करता है user directory या folder के अंदर sub directory को। that means C drive जो होती है वो C से denote होती है, और कोई folder होता है, यूजर डायरेक्टरी होती है, वो यूजर से डिनोट होती है, एंड जो सब डायरेक्टरी होती है उसे हम एडमिन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ओवरऑल इट मींस दैट वी आर वर्किंग इन द एडमिन फोल्डर।
कुल मिलाकर इसका मतलब ये होता है कि हम एडमिन फोल्डर में काम कर रहे हैं, दैट लाइज इन द यूजर फोल्डर ऑन द सी ड्राइव, जो सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर होता है। वी कैन चेंज अवर वर्किंग ड्राइव टू डी और एफ फॉर जी बाय सिंपली टाइपिंग द ड्राइव लेटर डी कॉलन्स एफ कॉलन्स और जी कॉलन्स एट द कमांड प्रॉम्प्ट। हम कमांड प्रॉम्प्ट में डी कॉलन लिखकर या एफ कॉलन लिखकर और या फिर जी कॉलन लिखकर किसी भी ड्राइव का नेम चेंज कर सकते हैं, वो चाहे डी में कर सकते हैं, एफ में कर सकते हैं, जी में कर सकते हैं, बस हमें सिंपली उस ड्राइव लेटर को कोलन के साथ टाइप करना होता है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के लिए कि हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग ओवर टू ड्राइव डी, ड्राइव डी को हमें चेंज करना है तो हमें टाइप डी और उसके आगे कॉलन लगाना होगा कीबोर्ड से अगेंस्ट द प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट। तो इस तरह से जब वहां पर यूजर एडमिन आएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए यूजर एंड एडमिन, उसके आगे हमने डी और कॉलन को टाइप कर दिया तो प्रेस द एंटर की किया, देन ये टाइप करके हमें एंटर की प्रेस करना होगा। दिस विल चेंज द प्रॉम्प्ट टू डी इंडिकेटिंग दैट यू आर नाउ वर्किंग विद द डी ड्राइव। तो ये इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर देगा, यहाँ पर अभी तक सी प्रॉम्प्ट आ रहा था, अब डी प्रॉम्प्ट आ जाएगा और ये इंडिकेट करेगा कि अब आप डी ड्राइव के साथ काम कर रहे हैं एंड द फाइल एंड फोल्डर स्टोर देयर, और यहाँ पर फाइल एंड फोल्डर स्टोर हैं। वी कैन गो बैक टू सी ड्राइव, हम सी ड्राइव में वापस भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, बाय टाइपिंग सी कॉलन्स, अगर हम इसके आगे सी कॉलन्स टाइप कर देंगे तो हम वापस सी ड्राइव में जा सकते हैं एट द कमांड प्रॉम्प्ट एंड हिटिंग द एंटर की, और कमांड प्रॉम्प्ट में हमें सी कॉलन्स को टाइप करके एंटर की हिट करनी होती है, प्रेस करनी होती है, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं सी कॉलन लिखकर तो हम वापस सी ड्राइव में चले जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी ड्राइव में जाने के लिए हमें उसके आगे कॉलन लगाना होता है, उसका लेटर लिखना होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाया गया कि चेंजिंग द वर्किंग ड्राइव, तो यहाँ पर ये दिखाया गया यूजर एडमिन के आगे डी कॉलन लगाया तो यहाँ पर हमारी डी ड्राइव ओपन हो जाएगी और वहां से सी ड्राइव खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होगी, केवल हम डी ड्राइव में आ जाएंगे। जैसे कि यदि हमें एमएस वर्ड खोलना होता है तो हमें एमएस वर्ड पर क्लिक करना होता है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कैरेक्टर का यूज करके। तो कैरेक्टर यूजिंग का जब हम इंटरफेस खोलते हैं तो उसमें हमें टाइप करना होता है, और जो भी हमें प्रोग्राम ओपन करना है तो उसके लिए उस प्रोग्राम को टाइप करना होता है करेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर हम डी ड्राइव खोलना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डी किया और उसके आगे कॉलन लगाया, तो यहाँ कॉलन लगाते ही जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम डी ड्राइव में आ जाएंगे। टाइपिंग बैक स्लैश अगेंस्ट द कमांड प्रॉम्प्ट विल टेक यू टू द रूट डायरेक्टरी। बैक स्लैश को टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में ये आपको रूट डायरेक्टरी पर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सी जो विंडोज सिस्टम 32 की ड्राइव है जिसमें विंडोज होती है विल टेक यू टू द सी ड्राइव, वो आपको सी ड्राइव में ले जाएगा सीधे टर्निंग द प्रॉम्प्ट टू सी, सी के प्रॉम्प्ट से टर्न करके आपको सीधे सी ड्राइव में ले जाएगा, विंडोज के अंदर नहीं लेके जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम इसे प्रैक्टिकली कर लेते हैं, बट स्टूडेंट्स जिस विंडो पर मैं आपको बता रही हूँ वो विंडोज 10 है, आपकी बुक में इस बुक में जो है वो विंडोज 7 पर बताया गया है। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का जो तरीका होता है, कमांड प्रॉम्प्ट सेम होती है लेकिन उसे जो ओपन करने का तरीका है वो ऑल प्रोग्राम्स में जाकर नहीं होता है। हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हम विंडो बटन प्रेस करते हैं, अभी मैं कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करती हूँ, आपके कीबोर्ड में भी विंडो बटन होगा, तो सभी कीबोर्ड्स में विंडो बटन होता है जिस पर विंडोज का मार्क बना होता है, और हम उस पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो विंडोज के जो यहाँ पर मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा तरीका है स्टार्ट बटन पर, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ये स्टार्ट बटन है, आप यहाँ माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना होता है, हम यदि यहाँ पर सी एम डी लिख देते हैं तब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाती है, देखिए स्टूडेंट्स सी एम डी लिखते ही। और स्टूडेंट्स इसे हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, इसके लिए हमें राइट क्लिक करना होगा इस पर एंड हमें यहाँ पर करना होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम एडमिन पर वर्क करेंगे, जब हम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तभी हम कोई ड्राइव्स वगैरह ओपन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट का ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें पूछा जाएगा डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप, क्या आप इस ऐप को अलाउ करना चाहते हैं, हम इसमें यस कर देंगे। देन हम यस करते ही हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर देंगे। एक सेकेंड मेथड भी है स्टूडेंट्स, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इसमें हमें क्या करना होता है, विंडो बटन के साथ प्रेस करके हमें आर बटन प्रेस करना होता है, लेकिन आर बटन तभी प्रेस होगा जब विंडो बटन साथ में प्रेस होगा, उसे प्रेस करे रखना और साथ में आर प्रेस कर देना है। तो यहां पर ये रन कमांड ओपन हो जाएगी, यहां आप लिखेंगे सी एम डी,
जैसे आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करके किया था, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे तब ये डायरेक्टली हो जाएगी। फिर हमें राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं करना होगा, यहाँ सीधे ओपन हो जाता है ये। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे करेंगे बहुत ही इजी मेथड के साथ, और यहाँ पर टाइप करेंगे CMD एंड राइट क्लिक करेंगे अगेन एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ हमारी ये पूछेगा यस, तो हमने यस कर दिया, देन हम इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी हमें ड्राइव में जाना है। स्टूडेंट्स मेरी जो ई ड्राइव है इस लैपटॉप में, उसमें लॉक लगा हुआ है। यदि मैं यहाँ ई और कॉलन्स लगाती हूँ तो ये देखिए क्या बताएगा एंटर करते ही, ये बोलेगा दिस ड्राइव इज लॉक्ड बाय बिट लॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन। ये ड्राइव लॉक्ड है बिट लॉकर ड्राइव से। मैं यहाँ पर आपको एफ ड्राइव ओपन करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर एफ टाइप किया एंड स्टूडेंट्स यहाँ से हमने शिफ्ट के साथ कॉलन किया। ये बिल्कुल एल, जो कीबोर्ड में एल वर्ड होता है, कैरेक्टर होता है, उसके जस्ट साइड में ही होता है, बिल्कुल लगा हुआ होता है कॉलन, लेकिन ये शिफ्ट के साथ प्रेस होता है। तो हम शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एफ कॉलन आ चुका है। अब मैं एंटर करती हूँ, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ एफ ड्राइव, इसने इंडिकेट कर दिया है कि एफ ड्राइव ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ एफ ड्राइव आ रहा है। यदि मुझे वापस सी ड्राइव में जाना है तो उसके लिए मुझे सी एंड शिफ्ट के साथ कॉलन एंड देन एंटर, और देखिए स्टूडेंट्स वापस सी ड्राइव में चले गए। किसी भी ड्राइव में जाने के लिए हमें इसी तरह से कॉलन लगा के करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट टू ओपन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना। ऑल द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर लाई इन सी यूजर एडमिन फोल्डर। जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी सी के ड्राइव के यूजर के एडमिन फोल्डर में होते हैं। एंड टू ओपन अ प्रोग्राम वी यूज द स्टार्ट कमांड। प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट कमांड का यूज करते हैं एट द कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट में। और इसका सिंटेक्स होता है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए जो सिंटेक्स है वो ये है कि यूजर एडमिन तो होता ही है कमांड प्रॉम्प्ट में, वहां पर हमें लिखना होता है स्टार्ट एंड देन प्रोग्राम फाइल नेम डॉट exe। जो भी प्रोग्राम फाइल नेम है उसका नेम लिखकर उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल का आप डॉट exe लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि स्टार्ट, यदि हमें विन वर्ड खोलना है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, तो हमें क्या करना होगा, स्टार्ट लिखना होगा देन विन वर्ड डॉट exe हमें ये टाइप करना होगा। प्रेसिंग द एंटर की आफ्टर टाइपिंग द अबव कमांड, ऊपर की कमांड को टाइप करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना होता है, तो इससे क्या होगा, विल ओपन अब द एमएस वर्ड प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर एमएस वर्ड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। सिमिलरली स्टार्ट पावर पीएनटी डॉट exe विल ओपन अप द एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम। एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम को पावर पीएनटी डॉट exe ये जो कमांड है उसके साथ स्टार्ट लिखना होगा, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे आपका एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यदि ऐसे ही स्टार्ट एक्सेल डॉट exe लिखेंगे तो इससे एमएस एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। स्टार्ट एमएस पेंट डॉट exe लिखेंगे तो इससे एमएस पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। एंड स्टार्ट वर्ड पैड डॉट exe लिखेंगे तो इससे वर्ड पैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सभी ओपन हो जाएंगे जो भी प्रोग्राम आप ओपन करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो फर्स्टली हमें कहाँ जाना होगा, फर्स्टली हमें जाना होगा स्टार्ट बटन पर, यहाँ हम क्लिक करेंगे, देन हमें यहाँ टाइप करना होगा CMD। तो आप देखेंगे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, इस पर हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। देन स्टूडेंट्स ये पूछेगा डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप, यस। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं और हम यहाँ पर वर्ड ओपन करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा START स्टार्ट एंड स्पेस, यहाँ हमें स्पेस देना जरूरी होता है, एंड देन फाइल नेम। तो यदि हमें वर्ड खोलना है तो हमें क्या लिखना होगा, विन WORD वर्ड डॉट exe एंड देन एंटर। लेकिन स्टूडेंट्स ये कमांड लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए, यदि वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो ये ओपन नहीं कर पाएगा। तो अभी हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही आप देखेंगे कि एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप एमएस पेंट खोल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ स्टार्ट स्पेस MSPAINT पेंट डॉट exe एंड देन एंटर। तो देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली पेंट ओपन हो गया। इस तरह से आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फाइल नेम कन्वेंशन फॉर शेल कमांड्स। शेल कमांड्स के लिए फाइल नेम की जो कन्वेंशन है, पद्धति है, उसे जान लेते हैं।
वाइल वर्किंग फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फाइल नेम यू गिव। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पर कार्य कर रहे हैं तो आपको जो फाइल नेम आप देते हैं उसके लिए आपको केयरफुल होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। द कमांड प्रॉम्प्ट विल रिकॉग्नाइज योर फाइल ओनली व्हेन दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू सर्टेन कन्वेंशन। लाइक कमांड प्रॉम्प्ट आपकी फाइल को तभी समझेगा जब आपने एक निश्चित पद्धति के अनुसार नाम दिया होगा। यदि आपने एक निश्चित पद्धति के अनुसार नाम नहीं दिया होगा तो ये नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए जो निश्चित पद्धति है वो इस प्रकार है स्टूडेंट्स। सबसे पहले है द फाइल नेम शुड हैव टू पार्ट्स। फाइल नेम दो पार्ट में होना चाहिए, प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम दो पार्ट में होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ डॉट। एक डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाना चाहिए। सेकेंडरी नेम इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल एक्सटेंशन। सेकेंडरी नेम को फाइल एक्सटेंशन से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है, एंड इंडिकेट्स द प्रोग्राम दैट वॉज यूज टू क्रिएट द फाइल। और ये उस प्रोग्राम को इंडिकेट करता है जो फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था। सेकेंड कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, द प्राइमरी फाइल नेम शुड बी शॉर्ट एंड कन्वे द कंटेंट ऑफ द फाइल। जो प्राइमरी फाइल नेम है वो छोटा होना चाहिए और वो जो फाइल का कंटेंट है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, वो उसके बारे में बताने वाला होना चाहिए। जो भी फाइल नेम आप दे रहे हैं तो जो भी उसके अंदर कंटेंट है, सपोज आपने इंग्लिश का कंटेंट है, आपका इंग्लिश से रिलेटेड है, तो आप उसमें कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड उसका नेम दें, जैसे इंग्लिश वर्ड्स, या फिर यदि उसमें आपने वर्ड्स लिखे हैं तो आप इंग्लिश वर्ड्स दे सकते हैं, ई वर्ड्स या फिर कुछ और। तो आपको कंटेंट से मिलता जुलता ही छोटा सा नेम सेलेक्ट करना चाहिए। थर्ड है स्टूडेंट्स कन्वेंशन, द फाइल एक्सटेंशन शुड बी 3 to 4 कैरेक्टर लॉन्ग। जो फाइल एक्सटेंशन है वो चार, 3 या 4 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मीन्स 3 या 4 कैरेक्टर होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, द फाइल नेम और एक्सटेंशन शुड नॉट हैव स्पेसेस। फाइल नेम या एक्सटेंशन के बीच कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, या स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए sa.docx इज अ वैलिड फाइल नेम। यदि हम इस तरह से फाइल नेम लिखते हैं तो ये एक वैलिड नेम है जो कि एमएस वर्ड 2007 और 10 डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। sports.pdf इज अ वैलिड फाइल नेम। sports.pdf एक वैलिड फाइल नेम है जो कि एडोब रीडर फाइल के लिए होता है। easypay.docx ऑन द अदर हैंड इज नॉट अ वैलिड फाइल नेम। easypay.docx जो कि आप देख रहे हैं, ये दूसरा एक दूसरे और ये भी नाम है, लेकिन है तो बिल्कुल इसी तरह से नाम, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड फाइल नेम नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स अ स्पेस इन द फाइल नेम। इसमें फाइल नेम में स्पेस आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पेस है, यहाँ पर स्पेस दे दिया गया है इस फाइल के बीच में, तो इसीलिए इस फाइल नेम को वैलिड फाइल नेम नहीं माना जाएगा। तो हमें इन शेल कमांड्स के लिए इन कन्वेंशंस को ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं द cd चेंज डायरेक्टरी कमांड। टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी और द फोल्डर वी यूज द cd कमांड। वर्किंग डायरेक्टरी या फोल्डर को चेंज करने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ द cd कमांड। चलिए अब cd कमांड के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं। यहाँ हेडिंग में दिया हुआ है कमांड्स और सिंटैक्स और इसका पर्पस, और यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। तो फर्स्टली कमांड है स्टूडेंट cd \ टेक्स यू टू द रूट डायरेक्टरी फोल्डर। ये कमांड जो cd/ आप लगाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, ये कमांड आपको रूट डायरेक्टरी या फोल्डर पर लेकर जाती है। एग्जाम्पल में देखें तो स्टूडेंट्स, यदि हम cd/ लगाएंगे तो ये आपको सी ड्राइव में डायरेक्टली ले जाएगी, यूजर और एडमिन में नहीं लेकर जाएगी, डायरेक्टली सी ड्राइव में लेकर जाएगी। नेक्स्ट कमांड है स्टूडेंट cd फोल्डर नेम \ सब फोल्डर नेम। इसमें सेपरेट किया गया सब फोल्डर को \\ का यूज करके। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर \\ है और इससे सब फोल्डर को सेपरेट किया गया है। इस कमांड का पर्पज होता है, ये हमें टेक्स यू टू अ स्पेसिफिक फोल्डर और सब फोल्डर फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी और फोल्डर। ये हमें एक स्पेसिफिक फोल्डर या सब फोल्डर जो कि रूट डायरेक्टरी या फोल्डर में होता है उस पर लेकर जाता है। स्टूडेंट्स, इस कमांड का एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो हम लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वापस आ चुके हैं, यूजर और एडमिन से बाहर आ जाते हैं cd/ से। अब अगर हम वापस जाना चाहते हैं यूजर और एडमिन में, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा cd/
यूजर, यूजर का मींस है फोल्डर नेम, एंड एडमिन, एडमिन उसका सब फोल्डर नेम है जो भी एडमिन नेम होगा आपके कमांड प्रॉम्प्ट में, एंड देन ये हमें वापस यूजर एडमिन में ले जाएगा। थर्ड कमांड है स्टूडेंट सीडी डॉट डॉट, टेक्स यू वन लेवल अप इन द डायरेक्टरी और फोल्डर स्ट्रक्चर। ये आपको डायरेक्टरी या फोल्डर स्ट्रक्चर के एक लेवल ऊपर लेकर जाता है ये वाला कमांड, जैसे कि सी यूजर एडमिन है सी ड्राइव में। सो स्टूडेंट्स जब हम इसके आगे सीडी डॉट डॉट लिखते हैं तो ये हमें क्या करता है कि एडमिन से पहले यूजर पर लेकर जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें एक लेवल अप लेकर जाता है। आगे बताया गया स्टूडेंट्स टू चेंज द ड्राइव एंड द डायरेक्टरी एट द सेम टाइम, ड्राइव और डायरेक्टरी को एक ही समय पर चेंज करने के लिए यूज द सीडी कमांड, सीडी कमांड का यूज करते हैं, फॉलोड बाय द स्लैश डी स्विच और स्लैश डी कमांड के द्वारा इसे फॉलो करते हैं। द स्लैश डी पैरामीटर इज यूज टू चेंज द करंट ड्राइव टू अ स्पेसिफिक फोल्डर फ्रॉम अनदर डिस्क। स्लैश डी पैरामीटर का यूज दूसरी डिस्क से एक विशेष फोल्डर के लिए करंट ड्राइव को चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नाउ इन द डी ड्राइव, यदि आप डी ड्राइव में हैं ड्राइव एंड वॉन्ट टू गो बैक टू विंडो फोल्डर इन द सी ड्राइव, और आप यहां से इस डी ड्राइव से विंडो फोल्डर जो कि सी ड्राइव में होता है उसमें वापस जाना चाहते हैं, तो यू शुड टाइप सी डी स्लैश डी सी कॉलन स्लैश यूजर्स। तो आपको ये टाइप करनी होगी कमांड एट द कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पर, एंड प्रेस द एंटर की टू गो टू दैट स्पेसिफिक फोल्डर। उस स्पेसिफिक फोल्डर पर जाने के लिए आपको एंटर की प्रेस करनी होती है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप स्लैश डी पैरामीटर का यूज करके एक दूसरी डिस्क से स्पेसिफिक फोल्डर की करंट ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर में बताया गया है द कमांड प्रॉम्प्ट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, कमांड प्रॉम्प्ट अक्षरों के लिए संवेदनशील नहीं है, मीनिंग दैट कमांड्स कैन बी टाइप्ड विद कैपिटल लेटर। इसका अर्थ है कि कमांड्स कैपिटल लेटर में भी टाइप की जा सकती हैं, लोअर केस लेटर में भी की जा सकती हैं, और एनी ऑफ इट्स कॉम्बिनेशन या फिर कैपिटल और लोअर दोनों के कॉम्बिनेशन से भी टाइप की जा सकती हैं। द कमांड सी डी, सी डी और सी डी विल ऑल वर्क इन द सेम वे। कमांड्स चाहे कैपिटल लेटर में सी डी लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, या फिर वन कैरेक्टर कैपिटल हो और सेकेंड कैरेक्टर स्मॉल हो, ये सभी एक ही तरह से काम करते हैं। कैसे भी आप लिख देंगे वैसे ही कमांड्स काम करेंगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।